कितने का था बोया का माइक क्या कर दिया फोन क्या करते हैं कैमरा बंद कर दो इसको नहीं चलेगा। हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है कम फाइंड मी में। आज चल दिए हैं चांदनी चौक गोप्रो के ब्लॉगिंग सेटअप के लिए। अब देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे प्राइस में मिलता है, तो मिलते हैं चांदनी चौक में। ये आ गए हम चांदनी चौक। अगर कैमरा मार्केट के लिए अगर लोकेशन पता करनी हो तो ये स्ट्रेट सामने लाल किला है और इसके राइट में आओगे तो SBI का बहुत बड़ा बैंक मिल जाएगा और SBI के एग्जैक्ट अपोजिट साइड में आपको कैमरा मार्केट मिलेगी। ये जो दिख रही है ये कैमरा मार्केट ही है SBI बैंक के अपोजिट साइड। ये जो अंदर के लिए मार्केट जा रही है गली दिख रही है फोटो मार्क्स, इससे आप सीधा अंदर की तरफ जाओगे तो ये पूरा कैमरा मार्केट ही है। यहाँ पे बाहर ही आपको बहुत सारे रिक्शे दिख जाएंगे और रिक्शों के पार जैसे ही क्रॉस करोगे ये जो फोटो मार्क्स है फोटो ट्रेड, इसके अंदर जाओगे तो ये सीधा सारी सारी कैमरा मार्केट है। चांदनी चौक की कैमरा मार्केट देखते हैं भैया क्या मिलता है। असली खजाना तो अंदर है। है तो यही ये 3700 का। और वो वाला कितने का था बोया का माइक क्या कर दिया फोन क्या करते हैं कैमरा बंद कर दो नहीं चलेगा। अब इतना खर्चा करने के बाद लग गई है भूख, चलो अब कुछ मीठा हो जाए। जलेबी वाला, इसका जलेबी ट्राई करते हैं। पहली बार ऐसा देखा है जहाँ पे बॉयज की लाइन छोटी है और गर्ल्स की। भैया मेरी गल हो रही है यहाँ पे चांदनी चौक में। फाइनली रीच होम, अब घर चल के दिखाते हैं क्या क्या सामान लाए। मिलते हैं अब सीधा घर पे। तो फाइनली पहुंच गए हैं घर पे, अब देखते हैं कि क्या क्या आइटम परचेज करके लाए हैं हम वहाँ से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे महंगे आइटम से, जो है हमारा ये अडेप्टर, GoPro का अडेप्टर। छोटी सी चीज़ है लेकिन प्राइस इसका रुला देने वाला। ये है हमारा GoPro का अडेप्टर, ये रहा इतनी सी चीज़। ये पड़ी मुझे 3600 की। इसको आप ऑनलाइन चेक करोगे तो ये 4000-4200 के आसपास का पड़ेगा। तो ये अगर आपको माइक कनेक्ट करना है तो इसके बिना होगा ही नहीं। मोटो ब्लॉगिंग करनी है इसके बिना होगी ही नहीं। आपको ब्लॉगिंग नॉर्मल ब्लॉगिंग करनी है इसके बिना नहीं होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है GoPro का। ये सबसे महंगा आइटम था हमारा। अब इसके बाद जाते हैं थोड़ा नीचे, GoPro की बैटरी। ये बैटरी मुझे पड़ी, कहाँ जा रही है भाई, इतनी सी बैटरी ये मुझे पड़ी 2000 रुपये की। क्योंकि अगर आप GoPro यूज़ करते हो तो आपको पता है इसका बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं रहता, तो एक एक्स्ट्रा बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो, कहीं पर ट्रिप में जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, तो एक सिंगल बैटरी से आपका काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बैटरी। ये मुझे पड़ी है 2000 की। इसके बाद जाते हैं हम ओलांजी का GoPro का कवर, ये रहा। और क्या है, ये GoPro का कवर और इसके साथ आए हैं आपके कुछ गार्ड्स, जो स्क्रीन गार्ड्स होंगे। ये आपको स्क्रीन में यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग जाएंगे, इस तरीके से। और एक ये है दूसरा, तो ये दो आए हैं इसके स्क्रीन गार्ड और ये GoPro का कवर है।
अगर आपने अडैप्टर लिया है तो अडैप्टर लिया है तो इसके साथ साथ आपको ये वाला कवर लेना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपका ये वाला कवर नहीं होगा तो आप इसको लटका के कैसे रखेंगे। इसलिए ये यहाँ पे चले जाता है, इसका ये वाला अडैप्टर आपका यहाँ के इसके अंदर चले जाएगा और यहाँ से आप GoPro अटैच कर सकते हैं। ये मैं एंड में दिखा भी दूंगा ये कैसे करके कैसे फिट बैठेगा पूरा। तो ये वाला आपका अगर आपके पास ये अडैप्टर है तो इसके साथ ये कवर लेना ज़रूरी है। इसमें आप यहाँ पे माइक भी अटैच कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई माइक है, ब्लॉगिंग करते हैं तो यहाँ पे आप माइक अटैच कर सकते हैं। इसके नीचे ये आपका कंपार्टमेंट दे रखा है अडैप्टर के लिए, तो ये अडैप्टर ये वायर यहाँ पे ऐसे इस टाइप में कुछ लगेगी। तो ये आपका अडैप्टर, ये इसके थोड़े प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स। तो ये हो गया हमारा ओलांजी का कवर। ये ओलांजी का कवर मुझे पड़ा है 1000 का। यहाँ पे हर चीज़ का प्राइस भी लिखा हुआ है, ये मैं एंड में आपके साथ शेयर कर दूँगा। उसके बाद है ये वाटरप्रूफ कवर, ये भी 1000 का है। वैसे GoPro वाटर रेजिस्टेंट रहता है, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं या फिर आप अंडर वाटर डाइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस केस में आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप राफ्टिंग वगैरह भी कुछ भी एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हो पानी के अंदर, तो उस वक्त आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। जिस टाइम आप ज़्यादा टाइम तक पानी के अंदर रहते हैं तो ये कवर आपको हेल्प करेगा, आपके GoPro को हेल्प करेगा, उसकी लाइफ थोड़ी और लंबी हो जाएगी। क्योंकि ये GoPro हमारा वाटर रेजिस्टेंस तो होता ही है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रहने के लिए नहीं बना है, इसके लिए आपको ये कवर यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये भी कवर मेरे को अराउंड 1000 का पड़ा है। तो ये है कुछ इस टाइप का, इसमें आपको एक माउंट मिला है और एक ये कवर है, ये वाटरप्रूफ कवर है। ये इस तरीके से खुल जाएगा, ये रहा। इसमें ये वाला जो गार्ड रहता है इसके थ्रू पानी जाना इम्पॉसिबल है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार का ये वाटरप्रूफ गार्ड है। ये अंडर वाटर आपको राफ्टिंग करनी है, स्कूबा डाइविंग करनी है, या फिर आप स्विमिंग करना चाहते हो GoPro के साथ, तो ये आपका बहुत यूजफुल प्रोडक्ट रहेगा। इसके साथ एक माउंट भी मिला ये वाला। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का है और ये रहा हमारा GoPro को चार्ज करने के लिए जो बैटरी होगी उसकी, जो मैंने एक्स्ट्रा बैटरी ली है। इसको मैं इसके अंदर आप 3 बैटरी एक साथ चार्ज कर सकते हैं। इसको मैंने यूज़ करके भी देख लिया, इसका अराउंड 2 आवर ले रहा है, 2 आवर और 2.5 आवर फुल बैटरी करने के लिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा बैटरीज है, तो आप इसको यूज़ करके अपने इसमें पावर बैंक अटैच करके आप अपने बैग वैग में कहीं भी रख सकते हैं, ताकि आप इसे अपनी बैटरीज को फुल रख सकें। तो ये भी अगर आप एक्स्ट्रा बैटरीज यूज़ कर रहे हैं तो ये भी बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये पड़ा मुझे अप्रॉक्स 800 का। और उसके बाद हमारा लास्ट आइटम वो है माइक। ये मेरे को सबसे सस्ता पड़ा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है जिस हिसाब से शॉपकीपर कह रहा था, क्योंकि उनको मैंने कहा था कि मेरे को थोड़ा एक्सपेंसिव दे दो, लेकिन मेरे को ठीक प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन उनने मुझे यही सजेस्ट करा, उनने कहा कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ करिए, अगर आपको कुछ भी इश्यूज रहते हैं तो आप हमें रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 200 का पड़ा मुझे माइक। ये माइक आप अगर मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो ये माइक आपका बहुत यूज़फुल रहेगा। ये रहा माइक, इसमें आपको वायर भी ठीक ठाक लेंथ की मिल रखी है। तो ये माइक मुझे पड़ा है 200 का। तो इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा आवाज़ वॉइस कैसी आ रही है, कैसा प्रोडक्ट है। तो इसका भी रिव्यू देंगे अगर 2-3 राइड के बाद। उसके बाद हमारा एक ये सिलिकॉन का मैंने केस भी लिया था, ये मुझे ठीक ठाक लगा था तो इसलिए मैंने ये ले लिया, ये चीप था, 150 का मिला मुझे। ये हमारा ओलांजी का कवर है, इसमें मैं आपको सेट करके बताऊँगा माइक, अडैप्टर और GoPro कैसे फिट करना है। तो सबसे पहले तो ये हमारा ओलांजी का कवर है, जो इसे यहाँ पे एक क्लिप दे रखी है, इसमें एरो भी दे रखा है डाउन करके। अगर आप डाउन करोगे तो इसका ये वाला पार्ट खुल जाएगा, ये वाला, ठीक है।
ये वाला पार्ट खुलेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे भी एक वो दे रखा है स्विच, अगर आप उसको स्विच को करोगे तो ये वाला पार्ट खुल जाएगा आपका। और इसमें आपका GoPro जो भी है, ये GoPro 9 है, तो इसका आपको ये बैटरी कवर आपको रिमूव करना पड़ेगा। ये इजीली हो जाता है, इसको आप, ये क्लिप है, इसको आप खींचोगे बाहर तो ये रिमूव हो जाएगा, ये इसके साथ अंदर फिट नहीं होगा, तो इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हमारा कुछ इस टाइप में फिट हो जाएगा। तो इसके बाद आप इसको यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, जो आपने ये पार्ट रिमूव करा है इसका, ये ऑलरेडी दे रखा है इधर, इसलिए ये वाला रिमूव होता है। तो ये हमारा इस टाइप में फिट हो जाएगा। और जो ये हमारा अडेप्टर है, इस अडेप्टर को हम कैसे सेट करेंगे, ये हम इस तरफ से अंदर डालेंगे इसे, इसकी वायर यहाँ से पहले हमें निकालनी है। और ये जो आपका अडेप्टर का माइक का जैक दे रखा है टाइप सी, जितना से आप चार्ज भी करते होगे उधर ये अडेप्टर का वायर लगेगी। ये आपका इस टाइप में अडेप्टर सेट हो गया है GoPro में। और अगर आपको माइक अटैच करना है, ये माइक है, तो इसके यहाँ पे जैक दे रखे इधर, इसमें आप अपना माइक भी अटैच कर सकते हैं इजीली। तो ये आपका इस टाइप का प्रॉपर सेटअप बनेगा, ओलांजी का कवर, GoPro, अडेप्टर एंड माइक, ये कुछ इस टाइप का लगेगा। तो ये आपका फाइनल लुक रहेगा इसका अटैचमेंट का। लगभग मुझे ये सारे आइटम, ये रहा इसका प्राइस टैग, 8600 के पड़े हैं मुझे ये सब चीज़ें। इसमें मैं एक बार ही रिपीट कर देता हूँ, माइक पड़ा है मुझे 200 का, अडेप्टर जो आपका अडेप्टर था ये वाला, ये पड़ा मुझे 3600 का, जो इसकी एक एक्स्ट्रा बैटरी थी ये वाली, ये 2000 की, जो इसमें आपका ये बॉडी मिली थी मुझे GoPro की, ये मुझे ओलांजी का कवर है, ये मुझे 1000 का, ये 1000 का ये वाटरप्रूफ वाला कवर। और इसके बाद जो ये मुझे बैटरी चार्ज करने का केस है, ये मुझे 800 का पड़ा, और इसको तो मैंने यूज़ भी कर लिया, इसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी, और 2 hours के अराउंड आपका ये पूरा चार्ज कर देता बैटरी को। तो लगभग यही सब आइटम थे। और ये जो आपकी बैटरी और अडेप्टर है, इसकी मुझे वारंटी वाला GST का बिल भी मिला है, ये रहा। तो अगर इसकी इन दोनों में कुछ भी इश्यूज आते हैं तो मैं इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो ये मुझे वारंटी के बिल वाले, जो GST का बिल है, उसके साथ मिला है। और अगर आपको कभी कैमरा मार्केट चांदनी चौक जाना है, तो मुझे, मेरे साथ उनने ये अपना कार्ड भी शेयर करा था, तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको कभी कुछ भी कैमरे की एक्सेसरीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस जगह में जाके ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, यही तेज योगी था। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।